नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आज पॉलिटी विषय के संबंध में जो है हम आपसे बात कर रहे थे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के विषय में। तो इसके विषय में हमने जो है 1947 के अधिनियम तक बात की थी। 1947 के अधिनियम के थोड़ा सा जो है उसमें अंतरिम सरकार की बात आती है। संविधान सभा के गठन के पहले जो अंतरिम सरकार गठित की गई है की गई थी, जिसके माध्यम से जो है देश का प्रशासन उस समय चलाया जा रहा था, उसमें कुछ प्राविधान थे। इसके बारे में जो है हम लोग पहले बात कर लेते हैं तो फिर आगे बात करेंगे। तो पहले क्या अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 दिसंबर 1946 को ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। देश के प्रशासन के प्रशासन को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, तो 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष, अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष घोषित किया गया वो लॉर्ड माउंटबेटन को, यानी इसका अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, इसमें अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को और उपाध्यक्ष जो है वो जेएल नेहरू को बनाया गया, इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी, इसमें अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और इन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी। और अंतरिम सरकार जो है वो परिषद के जो सदस्य थे उनके माध्यम से जो है वो भारत के गवर्न का, भारत की जो है प्रशासनिक व्यवस्था को गवर्न कर रही थी। और इस जो कैबिनेट सरकार थी, कैबिनेट सरकार की जो परिषद थी, इस परिषद में जो है पहले तो 13 सदस्य थे, और बाद में जो है इसमें कुछ और सदस्यों को नियुक्त किया गया, तब इन सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। शुरू में इनमें सदस्यों की संख्या 13 थी, तो सदस्य बाद में सदस्य, ये शुरू में थे। तो शुरू में क्या हुआ था कि कैबिनेट जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। अब बाद में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई और देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की। तो इसमें कुछ सदस्य निकाले गए, और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को, यानी बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल किए गए और इन 5 सदस्यों में कौन कौन थे, लियाकत अली, गजानफर अली, मोहम्मद सादुल्लाह, और इसमें जो है एक आई चुंदरीगर
आई आई चुंदरीगर के बाद इसमें जो है जी एन मंडल भी थी, योगेंद्र नाथ मंडल। ये 5 सदस्य इसमें जो है मुस्लिम लीग के बाद में शामिल किए गए, और जिन 3 सदस्यों को इसमें से बाहर किया गया उसमें सैयद अली जहीर इसमें जो है बाहर हुए सदस्य, इन सदस्यों में जो है सैयद अली जहीर शरद चंद्र बोस तथा इसमें जो है साफत अली खान। ये जो है 3 सदस्य इसमें बाहर किए गए, तब इन 5 सदस्यों को इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार के विषय में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अंतरिम सरकार एक तरह की जो है, अंतरिम सरकार के विषय में उन्होंने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अंतरिम सरकार के विषय में कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के विषय में कहा। अंतरिम सरकार के विषय में अंबेडकर ने कहा एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे, यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। तो इसमें जो है जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य शामिल हुए थे उन सदस्यों का नाम हम इस पे लिखवा दे रहे हैं, और किसके पास कौन सा विभाग था कुछ महत्वपूर्ण जो है उसमें लिखा दे रहे हैं, बाकी जो है किताबों में मिल ही जाता है, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का दायित्व तो है हम पढ़ाएंगे, इसमें जो भी लिखा दे रहे हैं इसमें किसको क्या विभाग दिया गया था उसमें उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं और उसको जो है थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। तो इसमें विभाग की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में जो है लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू आते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के पास जो है वो विदेश तथा राष्ट्रमंडल था, जवाहरलाल नेहरू इनके पास जो है विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी निर्णय होते थे वो जो है जवाहरलाल नेहरू के जो है मंत्रिमंडल में था। अब इसमें अंतरिम मंत्रिमंडल में जो अन्य थे पटेल जी थे, सरदार पटेल, पूरा लिख ही देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल इनको जो है गृह तथा सूचना प्रसारण, तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला, जान मंथाई
जॉन मथाई, इनको जो है इनको अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मिली, उद्योग तथा आपूर्ति, इनको उद्योग तथा आपूर्ति मिली। और इसमें जो है बलदेव सिंह, बलदेव सिंह को जो है बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया, रक्षा विभाग बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। राजगोपालाचारी को सी, राजगोपालाचारी सी, राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। शिक्षा मंत्रालय दिया गया सी एच भाभा को, सी एच भाभा को, इनको जो है वो कार्य तथा खान मंत्रालय दिया गया। खान मंत्रालय दिया गया और इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य आपूर्ति मंत्रालय दिया गया, खाद्य एवं आपूर्ति, आपूर्ति, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली को इसमें जो है रेल मंत्रालय दिया गया, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने, जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री बने, श्रम मंत्री बने। लियाकत अली वित्त, लियाकत अली इनको वित्त मंत्रालय दिया गया, वित्त मंत्रालय दिया गया। ये ध्यान दीजिए कि ये लीक से आए थे, ये जो है लीक से आए थे और बाद में शामिल हुए थे। इसके बाद जो है आई आई चुंदरीगढ़, चुंदरीगढ़, आई आई चुंदरीगढ़ को जो है वाणिज्य मंत्री बनाया गया, वाणिज्य मंत्री बनाया गया। ये भी लीक से ही थे। और इसके बाद आता है अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, इनको जो है इनको विधि मंत्री, संचार मंत्री बनाया गया, संचार मंत्री। तथा जीएन मंडल को, जीएन मंडल, योगेंद्रनाथ मंडल को जो है विधि मंत्री, विधि मंत्री। और गजानफर अली को स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ लिख देते हैं गजानफर अली को स्वास्थ्य मंत्री। ये मंत्रिमंडल था, अंतरिम मंत्रिमंडल। इसमें जो है गजानफर अली, जीएल मंडल, अब्दुल रब नस्तार, आई आई चुंदरीगढ़, लियाकत अली, ये पांच मंत्री जो बने थे ये मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। बाकी मंत्री अन्य पार्टियों से और कांग्रेस से थे। तो इसमें जो है ये अंतरिम सरकार के गठन में जो है इतने लोग शामिल थे। और अंतरिम सरकार के बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।